नोएडा में बने सुपरटेक ट्विन टावर को गिराने की तैयारियां पूरी हो गई हैं। 28 अगस्त को ट्विन टावर को गिराया जाना है। 32 मंजिला बने इन दोनों टावरों को इससे पहले 22 मई को गिराया जाना था, लेकिन तब ध्वस्तीकरण की तैयारियां पूरी नहीं थी। सुपरटेक के दोनों टावर की ऊंचाई 100 मीटर है और इसे गिराने वाली कंपनी ने अंदाजा लगाया है कि जब ये दोनों टावर गिरेंगे तो लगभग 3000 ट्रक मलबा निकलेगा। इस मलबे में लगभग 4000 टन तो स्टील ही होगा और इस मलबे को साफ होने में कम से कम 3 महीने का समय लग जाएगा। वहीं इससे पहले टावर गिराने वाली कंपनी एडिफिस इंजीनियरिंग का दावा है कि ट्विन टावर से जो मलबा निकलेगा उसकी कीमत 13 करोड़ रुपए होगी। वहीं इस टावर को गिराने में लगभग 17.5 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। बता दें कि इन टावरों को 3700 किलो विस्फोटक लगाकर गिराया जा रहा है और इन सब का खर्च सुपरटेक उठा रही है। दरअसल नोएडा सेक्टर 93A में सुपरटेक ने 2 टावर बनाए थे। ये दोनों टावर अवैध तरीके से बनाए गए थे जिसमें नियमों को ताक पर रखा गया था, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला लेते हुए इन्हें गिराने का आदेश दिया था।